أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In today's lecture, I will let you know about what makes a good proposal. एक अच्छा प्रपोजल कैसे बनाया जाए, उसके कंटेंट्स क्या है. I myself Abid Hussain, an MPhil scholar in library and information science. If you have any query or any complaint or any feedback regarding this lecture or the previous ones, so you can write to abidhussain@gmail.com. So let's start from the very first slide, that what is a good proposal? Quality of a good proposal: relevance, either to the work of the funding body or to the student's course. आपने जब भी कोई गुड प्रपोजल बनाना होता है, जो फंडिंग एजेंसीज के कोर्स यानी कंटेंट्स उससे मिलती रहती हूँ. द रिसर्च इज यूनिक और ऑफर्स न्यू इंसाइट्स और डिवेलपमेंट, तब रिसर्च गुड प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाती है, अगर उसकी कंटेंट्स भी यूनिक हो और उसकी जो इंसाइट हो या जो डिवेलपमेंटल काम हो और उस पर किसी ने काम ना किया हो, वो quality of the good proposal ki the title, aims and objectives are clear and succinct. Agar aapki jo proposal hai uska title bhi clear, uske aims bhi clear, uske objectives bhi clear, hatta ki puri clear ho taki samajhne mein aasani ho. Comprehensive and thorough background research and literature review has been undertaken. Aapne jo bhi proposal banana hai uski literature review aisi ho जो कि कंप्रेहेंसिव, साथ ही कि बैकग्राउंड रिसर्च को कवर कर रही हो. इसके साथ साथ एक और क्वालिटीज भी है, वो ये है कि देयर इज अ गुड मैच बिटवीन द इश्यूज टू बी एड्रेस एंड अप्रोच बीइंग अडॉप्टेड. अच्छा, जो भी आपने प्रपोजल बनाना होता है, जो आपके पास इश्यूज है जो आपने एड्रेस किए अपने प्रपोजल में, और वो अप्रोच जो आपने एडॉप्ट किया हुआ वो क्लियर हो. The researcher demonstrates relevant background knowledge and or experience. आपने जिस फील्ड के लिए लिखना है, मिसाल के तौर पे इकोनॉमिक्स वाले, इकोनॉमिक की जो है ना बैकग्राउंड नॉलेज रखती हो, साथ ये कि पॉलिटिकल साइंस वाले पॉलिटिकल साइंस की बैकग्राउंड नॉलेज रखती हो, बैंकिंग मार्केटिंग इस तरह मुख्तलिफ, तो आपकी बैकग्राउंड नॉलेज भी हो और एक्सपीरियंस भी हो. टाइम टेबल, रिसोर्स एंड बजट हैव ऑल बीन worked out thoroughly with most eventualities covered. आपके पास जो कि एक स्केड्यूल होती है, इसके मुताबिक हो, टाइम टेबल के मुताबिक हो, आपके जो रिसोर्सेज लगते हैं या जो बजट लगती है, वो आपने थॉरली इस पे वर्क किया हो, और आपने ये भी क्लियर करना है कि इसी स्केड्यूल के अंदर अंदर मैंने इसको ओवरकम करना है. यूजफुल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस इम्प्लीकेशन, आपने जो प्रपोजल बनाई उसमें पॉलिसी यूजफुल हो और उसके जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है वो आपने क्लियरली डिफाइन किया हो. अब हम आ जाते हैं कि रीजन व्हाई रिसर्च प्रपोजल फेल्स. अच्छा, प्रपोजल्स क्यों फेल होते हैं जब आप जमा करते हैं? अच्छा, उसमें चंद एलिमेंट्स है जो कि आपने जहन में रखना है. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आर अनक्लियर आर वेग. अच्छा, अगर आपकी प्रपोजल के एम्स और ऑब्जेक्टिव क्लियर ना हो, वो रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं. देयर इज अ मिस मैच बिटवीन द अप्रोच बीइंग अडॉप्टेड एंड द इशू टू बी एड्रेस. मिसाल के तौर पे आपके पास जो रिसर्च अप्रोच थी, आपने क्वालिटेटिव किया हुआ और वो क्वांटिटेटिव बेस्ड है, या जो आपने मेथड अप्रोच अडॉप्ट किया हुआ वो प्रपोजल की जो फंडिंग एजेंसी से मिलती ना हो, या जो आपकी तीसरी से मिलती ना हो. The overall plan is too ambitious and difficult to achieve in the time scale. आपने जो प्लान बनाया हुआ होता है और वो ऐसा हो कि वो मुश्किल हो और टाइम स्केल के मुताबिक ना हो, तो इसमें डिफिकल्टी आ जाती है, जिसकी वजह से वो प्रपोजल अक्सर रिजेक्ट हो जाती है. द रिसर्चर डज नॉट सीम टू हैव कंडक्टेड इनफ इन डेप्थ बैकग्राउंड रिसर्च. अच्छा, जो रिसर्चर जिन्होंने ये प्रपोजल तैयार की हुई, उसके पास बैकग्राउंड रिसर्च भी नहीं है, और वो जो है ना एक्सपीरियंस जो है ना उसकी ऐसी शो हो रही है, ये बंदा इसी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं. प्रॉब्लम इज ऑफ इनसफिशिएंट इम्पोर्टेंस. अच्छा, इनसफिशिएंट इम्पोर्टेंस ये है कि ना काफ़ी, ना मतलब ऐसी रिपोर्ट आपने लिखी हुई या प्रपोजल बनाई हुई तो प्रॉब्लमेटिक हो और ना काफ़ी हो इसकी इम्पोर्टेंस, वो रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं.
इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा कलेक्शन इज इनसफिशिएंटली डिटेल्ड। आपने जो इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्शन के बारे में जो आपने डिटेल फराहम की वो भी इनसफिशिएंट हो। इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा एनालिसिस मेथड इज इनसफिशिएंटली डिटेल्ड। आपने जो डेटा कलेक्शन किया है इसके बाद डेटा एनालिसिस कर रहे, इसका जो मेथड है वो भी जो ना फंडिंग एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मीट नहीं हो रही, तो इसी वजह से ये ऐसे रिपोर्ट यानी ऐसे प्रपोजल रिजेक्ट होने के चांसेस है। और ये आखिरी स्लाइड्स मैंने इसीलिए दिया हुआ है, अगर आपने इस वीडियो चैनल को थॉरली रिव्यू नहीं किया तो इसी लिंक पे जाके इसको विजिट करें। मुझे उम्मीद है आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।